स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। गौरव, मैं चाहती हूँ आप एक बार इसका चार्ट देखें, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर लगातार जो है ऊपर जा रहा है। और इसके अलावा हमने देखा भी है कि एक मैनेजमेंट चेंज के बाद जो है इस पर्टिकुलर काउंटर में और भी तेजी पकड़ी है। इस पिछले 5 दिन की बात करें तो लगभग 14.5% का यहाँ पे ऑलरेडी एक जंप देखने को मिल चुका है। और कितनी तेजी देखने को की एक्सपेक्ट करें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस से, क्योंकि कई समय के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में एक रीबाउंड दिखाया है। और आज देखिए बाजार में भारी गिरावट है, फिर भी ये काउंटर अपने आप को होल्ड करने में कायम है। देखिए, एक अच्छा बाउंस बैक लोअर लेवल्स को देखने मिला, एक फॉरेन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने मिला है 3 साल की फॉरेन ट्रेंड लाइन का। इमीडिएट जो इसके हर्डल है वो 160 के हैं। 160 के ऊपर अगर इसकी वीकली क्लोज अगर आती है तो स्टॉक जो है एक डबल बॉटम के कंफर्मेशन कर देगा और स्टॉक फिर जो है एक दौड़ लगाएगा 200 के लिए। तो स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, या तो आप इसको नीचे स्तरों पे ऐड कीजिए। अगर स्टॉक जो है 132-133 अगर आता है तो ब्रेक उसके नजदीक आएगा, रिटेस्ट के करीब होगा तो आप बाय कीजिए, या फिर आप उसको 160 के सस्टेन होने का वेट कीजिए जहाँ पे कंफर्मेशन आएगा आपके डबल बॉटम का नेकलाइन का। तो आप दोनों में से कोई एक डेटा पॉइंट से बाय कीजिए, मौजूदा स्तरों पे रिस्क उठना फेवरेबल नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू इस स्टॉक पर। चलिए अब रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का, पावर प्ले।